नमस्कार दोस्तों, ट्रेवल मंत्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त परवेश। ट्रेवल मंत्रा की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये वीडियो नवरात्रि स्पेशल है। इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि के महत्व और नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता के कौन कौन से रूपों की पूजा होती है इसके बारे में जानकारी देंगे। इस वर्ष 15 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि का पहला दिन है। इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा होगी। 16 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 17 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होगी। 18 अक्टूबर 2023 नवरात्रि का चौथा दिन है। इस दिन मां कुष्मांडा की पूजा होगी। 19 अक्टूबर 2023 नवरात्रि का पांचवा दिन है। इस दिन मां स्कंद माता की पूजा होगी। 20 अक्टूबर 2023 नवरात्रि का छठवां दिन है। इस दिन मां कात्यायनी की पूजा होगी। 21 अक्टूबर 2023 नवरात्रि का सातवां दिन है। इस दिन मां कालरात्रि की पूजा होगी। 22 अक्टूबर 2023 नवरात्रि का आठवां दिन है। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी। और 23 अक्टूबर 2023 नवरात्रि का नौवां दिन है। इस दिन मां महागौरी की पूजा होगी। हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस साल 15 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि का आरंभ हो रहा है और 23 अक्टूबर को नवरात्रि की समाप्ति होगी। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने का बड़ा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की पूजा उपासना से वह प्रसन्न होती हैं और भक्तों को सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को विधिवत कलश स्थापित किया जाता है और 9 दिनों तक व्रत का संकल्प लिया जाता है। मान्यता है कि इस साल मां दुर्गा हाथी की सवारी पर आ रही हैं। वैसे तो माता का वाहन शेर है, लेकिन धरती पर माता अपने अलग अलग वाहनों से आती हैं। भागवत पुराण के अनुसार जब भी माता हाथी पर सवार होकर आती हैं, तो वह अपने साथ सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आती हैं। मां दुर्गा इस साल हाथी की सवारी पर आ रही हैं, इसलिए इस साल नवरात्रि का धार्मिक महत्व कहीं अधिक बढ़ जाता है। भागवत पुराण के अनुसार जिस वर्ष माता हाथी पर सवार होकर धरती पर आती हैं, उस वर्ष धन दौलत में वृद्धि होती है और देश में सुख समृद्धि आता है। माता की हाथी की सवारी का यह भी संकेत है कि अगले वर्ष बारिश ज्यादा हो सकती है।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल ट्रेवल मंत्रा को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।